नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। महाराजगंज जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक इंसान मंदिर परिसर के भीतर पशुओं के खाने के लिए बनाए गए मिट्टी के बर्तन में पशुओं का भोजन, भूसा और चारा खाते हुए नजर आता है। इस अजीबोगरीब शख्स को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के हर तीसरे साल इस व्यक्ति के शरीर में भस्मासुर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वहां इस तरह का व्यवहार कर पशुओं का भोजन, भूसा और चारा खाने लगता है। पशुओं की तरह भोजन कर रहा यह इंसान महाराजगंज जिले के कुलहुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ गांव का रहने वाला है और इसका नाम बुद्धिराम है। बुद्धिराम पिछले 45 सालों से नाग पंचमी त्यौहार के हर तीसरे साल गांव में ही स्थित माता के मंदिर में स्थापित भैंसासुर की प्रतिमा के सामने पशुओं की तरह ही भूसा और चारा खाता है। बुद्धिमान का मानना है कि नाग पंचमी के दिन उसके शरीर के अंदर भैंसासुर प्रवेश हो जाते हैं, जिस तरह से वह इस तरीके का व्यवहार करने लगता है। पशुओं की तरह भोजन कर रहा यह इंसान महाराजगंज जिले के कुलहुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ गांव का रहने वाला है और इसका नाम बुद्धिराम है। बुद्धिराम पिछले 45 सालों से नाग पंचमी त्यौहार के हर तीसरे साल गांव में ही स्थित माता के मंदिर में स्थापित भस्मासुर की प्रतिमा के सामने पशुओं की तरह ही भूसा और चारा खाता है। इनका मानना है कि नाग पंचमी के दिन उसके शरीर में भस्मासुर का प्रवेश हो जाता है, जिससे वह पशुओं की तरह व्यवहार करने लगता है। बुद्धिराम का मानना है कि लगभग 40 से 45 साल वाले वह फुटबॉल खेलने जा रहा था, तभी रास्ते में वह लघु शंका करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मंदिर का स्थान है। लघु शंका करने के बाद उसके शरीर में भस्मासुर का प्रवेश हो गया। काफी दिनों तक वह अजीब हरकतें करने लगा। घर वालों ने उसकी हरकतों को देख कई जगहों पर पूजा पाठ भी कराया। काफी पूजा पाठ के बाद उसे शांति तो मिली, लेकिन उसके बाद नाग पंचमी के हर तीसरे साल उसके शरीर में भस्मासुर का प्रवेश हो जाता है और वह पशुओं जैसी हरकत मंदिर में पूजा पाठ भी करने लगता है। बुद्धिराम पर देवता का वास मानकर उसे देखने और पूजा पाठ करने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। लोग इस दिन बुद्धिराम के शरीर में प्रवेश किए देवता भस्मासुर को प्रसाद के रूप में घास भूसा खिलाते हैं और दर्शन करते हैं। बुद्धिराम ने बताया कि जब सभी लोग दर्शन करके चले जाते हैं तो 2-4 घंटे बाद फिर वह पहले जैसा हो जाता है। बुद्धिराम का मानना है कि जब से वह इस तरह कर रहा है तब से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक मनुष्य का पशुओं की तरह व्यवहार करना और पशुओं की तरह खाना सुनने में और देखने में काफी अजीब लगता है और कुछ लोग इसे आस्था के रूप में अंधविश्वास का नाम भी दे देते हैं। आपको बता दें कि नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति पर दूध से जल अभिषेक किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं की मानेंगे तो नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है। तो चलिए आज नाग पंचमी के अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ कथा भी पढ़ लेते हैं। एक बार एक गाँव में एक किसान रहता था। उस किसान की बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था और वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर रही थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई। यही वजह है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा और है, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक बार राजा वन से एक करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांग ली, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना है। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे
राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तब ही होगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया, राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनते ही रानी भी मरी। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना लिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषय पर वीडियो है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।